खबर दिल्ली से है, अतिक्रमण के खिलाफ मंगोलपुरी में कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि वाई ब्लॉक की मस्जिद स्थित पार्क में चल रहा पीला पंजा, मस्जिद पर चढ़कर विरोध कर रहे हैं लोग। मौके पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है। विशेष समुदाय के लोगों ने मीडिया पर भी हमला बोला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे कि विशेष समुदाय के लोगों ने मीडिया पर भी हमला बोला है। मौके पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री की फोर्स भी वहां पर तैनात है। विशेष समुदाय के लोगों ने मीडिया पर भी हमला बोला है क्योंकि वहां पर पीला पंजा चल रहा है। करीब 35 से 40 साल पुरानी है ये मस्जिद, यानी कि बताया जा रहा है कि ये जो मस्जिद है ये 35 से 40 साल पुरानी है। अतिक्रमण के खिलाफ मंगोलपुरी में ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, वाई ब्लॉक की मस्जिद स्थित पार्क में चल रहा है पीला पंजा। तो मस्जिद स्थित पार्क में ये पीला पंजा चल रहा है और मस्जिद पर चढ़कर लोग विरोध कर रहे हैं, यानी कि मस्जिद पर चढ़कर लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। मौके पर पुलिस के साथ पैरामिलिट्री की फोर्स भी तैनात है कि ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। ये देखिए, आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी, बताया जा रहा है कि जो मस्जिद है वो 35 से 40 साल पुरानी है। तो अतिक्रमण के खिलाफ मंगोलपुरी में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, लेकिन बुलडोजर चल रहा है, पीला पंजा चल रहा है। देख सकते हैं कि मौके पर भारी पुलिस बलों की तैनाती है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि सिंह जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ स्थिति है? जैसा कि देखा गया है कि सुबह से मंगोलपुरी में एमसीडी की कार्रवाई करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे, जिसको देखिए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात की गई थी। वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि वहीं कुछ विभिन्न समुदाय के लोगों ने मस्जिद पर पहुंच के विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का लोकल मीडिया वाले जीते मौजूद और मीडिया वाले और भी जो मौजूद थे उन सब पर बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इसे कंट्रोल में कर लिया है और आगे कार्रवाई चल रही है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्रवाई में? जी, बिल्कुल ऐसा देखा गया था। वादा बनने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि एनसीडी के पार्किंग पर अवैध कब्जा किया गया था। एनसीडी ने कल नोटिस भी दिया था, जिस तरीके से सुनने में आया है। उसके बाद भी जब लोगों ने नहीं सुने तो पीला पंजा लेके एनसीडी अपनी कार्रवाई करने पहुंची। उसके बाद लोगों ने ज्यादा विरोध शुरू कर दिया। अभी हम तस्वीर में देख रहे हैं कि लोग झड़प कर रहे हैं पुलिस के साथ। जी, लोगों ने जिस तरीके से देखा गया कि पुलिस के साथ झड़प करने की कोशिश की गई है, ईंट पत्थर भी मारे गए हैं, वीडियो में देख सकते हैं। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोग विशेष लोग जो थे वहां पे समुदाय के, वो माहौल निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने फिर भी कंट्रोल कर लिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब रवि, ये भी बताइए, क्योंकि मस्जिद के स्थित पार्क पे कार्रवाई हो रही है या फिर ये मस्जिद पर भी कार्रवाई होनी है, क्या ये भी जानकारी मिल रही है? नहीं, ये जो अवैध इन्होंने निर्माण किया हुआ था पार्क के अंदर, अवैध निर्माण किया था, फिलहाल उस कार्रवाई की जा रही है। उसके लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद थोड़ा उग्र हो गया, लेकिन पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। क्योंकि जानकारी भी मिल रही है रवि की कुछ मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया है। जी, उनके साथ भी अवैधता करने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ कुछ महिला मीडिया वाली उनके साथ भी अवैधता की गई है। लोगों की तरफ से लोगों को देख ली और कुछ लोगों को डिटेन भी करा है। तो फिलहाल रवि, क्या स्थिति कंट्रोल में है? लोगों के प्रदर्शन को क्या खत्म कर लिया गया या फिर जो विरोध कर रहे थे उन्हें हटा लिया गया है? कार्रवाई चल रही है? ये कार्रवाई चल रही है, जैसा कि अभी जो भी आ रहा है सुनने में, कार्रवाई इस तरीके अभी चालू है और जो भी लोग विरोध कर रहे थे उनको शांत कर दिया गया है, डिटेन किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।